हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, नहाना धोना सब हो गया है और चाय पानी भी सब हो गया है, बस खाना नहीं बना है। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ, मैं तैयार हो गई पहले बोल दिया, लेकिन अब खाने की बात कर रही हूँ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ना मैं तैयार होके तो कहीं जा रही हूँ, वही खाने के संबंधित ही जा रही हूँ कि आज मुझे बनानी है खीर और कचौड़ी, बच्चों की फरमाइश है। और वैसे भी आज बहुत बहुत खास दिन है, इसीलिए भी हमारा अभी मन है कि आज खीर और कचौड़ी खाई जाए। ठीक है जी, तो अभी मैं चलती हूँ, कुछ काम है मुझे बाहर, तो वो सामान कुछ लाना है मुझे, तो मैं वो लेने जा रही हूँ। तो आज ले जा रही हूँ मैं स्कूटी, तो चलिए देखते हैं क्या लेकर के मैं आती हूँ। और धूप बहुत तेज है इसलिए अपना चेहरा मैं कवर कर लूँ पहले। तो ये चेहरा कवर कर लिया, अब उठाते हैं स्कूटी और चलते हैं। बहुत दिनों बाद ले जा रही हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ, स्कूटी मैंने इधर खड़ी कर दिया यहाँ फूल लेने के लिए। सही है सर, 30 की है, चल रख दे। हाँ एक ही चाहिए, फूल भी डाल दिया हाँ, ये भी। और यहाँ से लिया कुछ सामान, ब्रेड, रस, बिस्किट, कुछ। ये आ गई मैं घर पे सारा सामान लेकर के, धूप इतनी तेज है ना कि कुछ पूछो ही मत। और हमारी कॉलोनी में भी लाइट लग रही है, जब जलेंगी ना शाम को तब दिखाऊंगी, अभी तो कुछ दिखाई देगा नहीं। तो जी मैंने जला लिया ये कैंडल और आज है 14 अप्रैल, तो इसीलिए मैं गई थी फूल लेने के लिए। आज है बाबा साहब का जन्मदिन, तो बाबा साहब के जन्मदिन की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये भी आ गए हैं, आ जाइए। अभी बाबा साहब की तस्वीर के साथ साथ उनके विचारों को भी याद करना चाहिए, और आज कई दिन नहीं, इनकी तस्वीर के आगे रोज़ एक फूल चढ़ाना चाहिए, खासकर महिलाओं को, चाहे छोटी जाति की हो या बड़ी जाति की। महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब ने ही काम किया था। दलितों के ही मसीहा नहीं है, ये महिलाओं के भी मसीहा हैं। हर वह महिला जो आज समानता का अधिकार प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, वो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। इसलिए हर महिला को, चाहे वो छोटी जाति की है या बड़ी जाति की है, इनकी तस्वीर के आगे आभार व्यक्त करने के लिए एक फूल, कम से कम एक फूल रोजाना चढ़ाए, जिससे इनका आभार व्यक्त किया जा सके। आज 14 अप्रैल है, आज बाबा साहब का जन्मदिन दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब ने एक ही वर्ग के लिए काम नहीं किया था, सभी वर्ग के लिए काम किया था, कमजोरों के लिए काम किया था और नारियों के लिए, नारी किसी भी वर्ग की हो। आज जो नारियां बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं, उनको पूछो वो किसकी वजह से बैठी हुई हैं, उनको पता भी नहीं होगा। और आज जो हम स्वतंत्र नारियां, समानता का जो अधिकार प्राप्त है, वो किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। आज अगर नारियों के लिए बाबा साहब ने नारी के अधिकार के लिए अगर बात ना रखी होती, तो आज नारी घर में ही चूल्हा चौका कर रही होती, बाहर जाके बड़े बड़े पदों पर आसीन ना होती। तो बाबा साहब को सत सत नमन। ज्योति ईसु, चलो फूल ले लो और बाबा साहब को अर्पित करो। बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बाबा साहब के क्या विचार थे, उनके संघर्ष कैसे थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया हम लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, ये बातें सभी बच्चों को भी बतानी चाहिए। खीर मेरी लगभग लगभग बन चुकी है और मैं कचौड़ी बना रही हूँ अभी। ये देखिए खीर बहुत टेस्टी वाली मेरी बन चुकी है लगभग, बस थोड़ी देर और पकानी है, ठीक है। और इधर मैं कचौड़ी बना के अभी रख ले रही हूँ, अभी मैं सेकूंगी बस, और खाना तैयार है। तो ये खाना बन गया है और अभी हम खा रहे हैं। अभी पहले हम दही से खा रहे हैं, बनाई है खीर कचौड़ी के साथ खाने के लिए, और मैंने कचौड़ी बनाई है तो वो कितनी बड़ी 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 पसंद आती हैं। इधर ज्योति भी खा रही है, ये देखो, ये दोनों से खा रही है, खीर से भी और दही से भी, क्या कॉम्बिनेशन बनाया है इसने। और जब कचौड़ी फट जाती है ना, उसका अलग ही स्वाद होता है। सब मांगते हैं है? मुझे नहीं पता। नहीं आपको भी पसंद है? हाँ आपको लगी हुई? नहीं मुझे भी पसंद है फटी हुई, सब मांगते हैं फटी हुई कचौड़ी कौन सी है वो मुझे दे दो। कचौड़ी खाई है तो थोड़ी देर बाद देखना, इतनी प्यास लगेगी, इतना ठंडा पानी पीने का मन करेगा, और इसीलिए अब मैं घड़ा भर लेती हूँ इसको। मैंने काफी टाइम हो गया, ज्योति
आई थी ना उससे पहले लिया, तेरे सामने तो लिया मैंने, हाँ इससे पहले ले लिया था, कम से कम हो गए होंगे 15 दिन से ज्यादा, तब से इसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज गर्मी भी ज्यादा हो रही है और कचौड़ी खाई है गरम गरम, तो प्यास भयंकर लगने वाली है, तो अब इसको भर लेते हैं। अब हो गया है दूध का टाइम, तो मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। निकल आए हैं घर से, अब थोड़ी देर पैदल चलते 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 ऐसे करके ना वॉक भी हो जाती है, वो हो जाना कि और दूध भी आ जाता है। दूध लेके लौटे आए हैं और हमारी कॉलोनी में लाइट जल गई है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, ये देखो कितना सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। पूरी कॉलोनी में तो लाइट लगी गई है, हम लोगों ने सभी ने मिलकर कैंडल भी लगाई अपनी छतों पर, लेकिन बड़ा दुख होता है कुछ खास लोगों ने ही, मतलब कुछ लोगों ने ही अपने घरों में ये कैंडल लगाए, कुछ ही लोग खुशी मना रहे हैं। सभी लोग अभी बाबा साहब को नहीं जानते और वो नहीं मानते कि बाबा साहब ने कुछ किया, जबकि बाबा साहब ने हर उस कमज़ोर वर्ग के लिए काम किया जिसको ज़रूरत थी। जय भीम।